हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो फाइनली आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इतने टाइम के बाद शुरू हुआ लाइव ऑडियंस के साथ और सच में मजा आ गया लाइव ऑडियंस की एनर्जी को देखकर। और मिस्टर मैकमैन सबसे पहले आए स्मैकडाउन की शुरुआत करने के लिए और उन्होंने फैन से मजाक से बोला कि कहां थे आप लोग इतने टाइम से, और फिर उन्होंने लाइव ऑडियंस को वेलकम भी किया। और सबसे पहले ही मैच में देखने मिला सिक्स मैन टैग टीम मैच रोमन रेक्स, जे उसो और जिमी उसो की टीम का एज, रे और डोमिनिक मिस्टीरियो की टीम के साथ। और मैच की शुरुआत में पहले जिमी उसो पे थोड़े भारी पड़ रहे थे रे और डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन फिर जिमी उसो से जे उसो ने टैग लिया और फिर जे उसो से टैग मांगा रोमन रेक्स ने, और रोमन ने आने के बाद पीटना शुरू कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। और रोमन लाइव फैंस को भी बार बार कह रहे थे उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए, लेकिन मैच के बीच में एज ने रोमन को रिंग के नीचे स्पीयर दे दिया, लेकिन जिमी उसो की मदद से जे उसो ने रे मिस्टीरियो को फंसा कर उनका पिनफॉल करवाया और रोमन और द उसोस ये मैच जीत गए। और मैच के बाद भी जिमी और जे उसो ने रे और डोमिनिक को मारना शुरू कर दिया, पर एज ने आकर रे और डोमिनिक को बचाया, लेकिन उसके बाद रोमन ने आकर एक सुपरमैन पंच दिया एज को, और रोमन ने भी चेयर के टुकड़े से एज को सबमिशन देने की कोशिश की, लेकिन एज संभल गए और उन्होंने पहले स्पीयर दिया रोमन को और फिर उन्होंने चेयर के टुकड़े से रोमन को फेस लॉक दे दिया और रोमन टैप आउट करते हुए दिखाई दिए। पर क्योंकि ये कोई मैच नहीं था इसलिए इस टैप आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एज ने इसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप उठाकर ऑडियंस को भी दिखाई। वैसे आप लोग मनी इन द बैंक पेपरव्यू में किसको सपोर्ट कर रहे हो, रेटेड आर सुपरस्टार एज को या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को, कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। इसके बाद बैकस्टेज में एज, रे और डोमिनिक दिखाई दिए और फिर एज ने इंटरव्यू देते हुए बोला कि उन्हें कुछ बहुत ही डेंजर करना होगा मनी इन द बैंक पेपरव्यू में ताकि वो रोमन को हरा कर यूनिवर्सल चैंपियन बन पाए। लेकिन पीछे से सेथ रॉलिंग्स की हंसी सुनाई दी और फिर उन्होंने हंसते हुए आकर एज को कहा कि एज रोमन रेक्स को कभी नहीं हरा पाएंगे, लेकिन सेथ रॉलिंग्स ये चाहते हैं कि एज यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए ताकि जो 7 साल पहले सेथ रॉलिंग्स ने शुरू किया था वो उसे खत्म कर पाए। और फिर सेथ ने याद दिलाया कि कैसे 7 साल पहले जब सेथ मनी इन द बैंक विनर थे तो एक टाइम पर वो एज की गर्दन तोड़ने जा रहे थे, और सेथ ने ये बोल दिया है कि अगर एज यूनिवर्सल चैंपियन बन गए तो सेथ मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे और वो एज पर कैश इन करके यूनिवर्सल चैंपियन भी बन जाएंगे। और इसके बाद सैमी ज़ेन ने आकर कहा कि वो चाहते हैं कि लाइव ऑडियंस जस्टिस फॉर सैमी चिल्लाते रहें, और जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक वो रिंग से नहीं जाएंगे। और फिर फिन बैलर ने उनका सरप्राइज रिटर्न किया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और जब सैमी ज़ेन ने अटैक करने की कोशिश की फिन पर तो फिन ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पर और उन्हें कोप डे ग्रास भी दे दिया। वैसे आप लोग फिन बैलर के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिटर्न से खुश हो या नहीं कमेंट सेक्शन में सबको बताएं। और इसके बाद नेटालिया और तमीना का टैग टीम मैच हुआ शॉटसी और टेगन नॉक्स के साथ, और मैच के आखिरी मोमेंट्स में रिंग के बाहर बैठी लिव मॉर्गन और ज़ेलिना वेगा में ब्रॉल शुरू हो गया जिससे नेटालिया डिस्ट्रैक्ट हो गई, और इसका फायदा उठाया नॉक्स ने और उन्होंने नेटालिया को फंसा कर उनका पिनफॉल करवा कर ये मैच जीत लिया। और फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ कार्मेला और स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर के बीच में, और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में कार्मेला ने बियांका को गिलिटिन चोक भी दे दिया था, पर बियांका ब्लेयर ने टैप आउट नहीं किया और उन्होंने कार्मेला को किस ऑफ डेथ यानी कि KOD देकर उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और बैकस्टेज में ओटिस ने सिजारो पे अटैक कर दिया, यानी कि अब सिजारो और ओटिस का फ्यूड शुरू हो जाएगा। और फिर जब सिजारो और ओटिस का सिंगल्स मैच हुआ तो चैड गिबल ने सिजारो पे अटैक करके उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच जितवा दिया, और मैच के बाद भी ओटिस ने अटैक कर दिया सिजारो पे। इसके बाद बैरन कॉर्बिन ने आकर कहा कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए हैं और इसलिए उन्होंने एक डोनेशन साइट खोली है जहां वो चाहते हैं कि सभी लाइव ऑडियंस और जो भी घर पर बैठ कर देख रहे हैं वो उन्हें जाकर कुछ पैसे डोनेट करें। और कॉर्बिन उनके घुटनों पर बैठकर लाइव ऑडियंस से ये बेग करने लगे कि वो लोग उन्हें पैसे दे दें, लेकिन कॉर्बिन को इंटरफेयर किया केविन ओवेंस ने, और उसके बाद कॉर्बिन केविन ओवेंस से भी पैसे मांगने लगे। और फिर कॉर्बिन ने ये कहा कि सभी जानते हैं कि केविन ओवेंस उनके कपड़ों पर पैसे खर्चे नहीं करते, इसलिए वो कॉर्बिन को कुछ पैसे दे दें। और ये सुनकर केविन ओवेंस ने स्टनर दे दिया कॉर्बिन को, और फिर फैटल फोर वे मैच हुआ केविन ओवेंस, बिगी, किंग शिंसुके नाकामुरा और सेथ रॉलिंग्स के बीच में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में शिंसुके नाकामुरा जो कि कमेंट्री टेबल पे लेटे हुए थे उनके ऊपर केविन ओवेंस लैडर के ऊपर से कूद गए और रिंग के अंदर बिगी को लैडर के ऊपर स्टॉर्म देकर सेथ रॉलिंग्स ने ये फैटल फोर वे मैच जीत लिया है। और फिर मैच के बाद सेथ रॉलिंग्स लैडर के ऊपर चढ़े और उन्होंने दिखाया कि वो कैसे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर जीत जाएंगे। वैसे आप लोग आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्द मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।